भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कमलेश यादव ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चरका गांव निवासी शंकर यादव का पुत्र कमलेश यादव चतरा के अलावा लातेहार एवं पलामू जिलों में आतंक मचा रखा था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, मुठभेड़ एवं अपहरण जैसे कम से कम 8 मामले दर्ज हैं, जिसमें 3-3 मामले प्रतापपुर व मनातू थाने में तथा 2 मामले कुंदा थाना में दर्ज है। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कमलेश ने सरेंडर किया है। ये हम यहाँ पे पार्टी में जमीन का विवाद चल रहा था, और जमीन के विवाद में हम यहाँ पे आए थे, समस्या था, तो हम यहाँ पे आए पार्टी में, उन लोग बोले कि आपको समस्या हल कर देंगे। उन लोग समस्या हमारे को बिलवा करके 7 साल तक रखें, उसके बाद हमारा कोई समस्या अभी तक हल नहीं हुआ। उसके बाद ये पुलिस जो अच्छी ये जो झारखंड सरकार जो अभी चलाया है अथी ये खाना पीना में दिक्कत हो रहा है वहाँ पे अभी साथी लोगों के, और ये अभियान जो चल रहा है उसके लेकर के हम यहाँ अपना समर्पण यहाँ किए हैं। जान के डर से आत्मसमर्पण किए हैं कि आपको लगा कि हम गलत भटक गए थे? हम गलत भटक गए थे, इसके कारण से हम यहाँ आत्मसमर्पण किए। आपने दूसरे साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरा साथियों के हमारा साथी जो भी इतना दिन से भटक रहे हैं वो आकर के सरकार के द्वारा ये जो सिलेंडर पॉलिसी चल रहा है उसका आकर के अपना लाभ फायदा उठाएं, आपके द्वारा अपना लाभ फायदा उठाएं, अपना जितना टाइम बच रहा अभी जो आपको समय बच रहा है अपना घर परिवार से गांव समाज के साथ अच्छा तरह समय बिताए। किन के किन के दस्ते में रहे आप? सिर्फ हम अरविंद भैया के साथ रहते थे और ये मनोहर गंजू के साथ रह रहे थे। आपके द्वारा कोई बड़ी घटना का अंजाम दिया गया क्या? ये प्रतापपुर वाला घटना कुछ साथ में थे और सब कुछ में नहीं थे सर। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर श्री कमलेश यादव ने आज यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है। ये प्रतापपुर थाना के रहने वाले थे। इस अवसर पर मैं जितने भी नक्सल हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा कि समय आ चुका है, आप लोग सभी उग्रवादी धारा को छोड़कर जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें तथा झारखंड सरकार की जो नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है उस पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं। आप लोगों को ये पता चलेगा यहाँ पर आकर कि जिस रास्ते पे आप भटके हुए हैं, जो आप जंगल जंगल भटक रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं रखा है तथा उसमें आपके पास गोली खाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा हुआ है। यह सही समय है, सरकार भी ये चाहती है कि नक्सली आत्मसमर्पण करें, आप लोग सभी इस मौके का फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द चतरा पुलिस के झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें। धन्यवाद। तीन मामलों में वंचित रहे हैं सर, इलाका कौन सा रहा है? ये मुख्यतः जो चकरबंदा और हमारे जो चतरा जिले का जो बॉर्डर एरिया था, चक सलिया इत्यादि, इस एरिया के एरिया कमांडर थे और काफ़ी आपराधिक कांडों में जो है सो वांछित रहे हैं। इनसे हम लोगों ने डिटेल इंटीग्रेशन किया है और इनसे हम लोगों को कई सारे नक्सली कांडों के उद्भेदन में काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। कितने सालों से सक्रिय रहे हैं? ये वर्ष 2014 से लेकर अभी तक सक्रिय थे और इनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि इनको नक्सल के द्वारा केवल शोषण किया गया, जो शीर्ष कमांडर्स थे उन्होंने इनको पद से भटकाया, मगर ये अब सही रास्ते पर आ चुके हैं। इनके नेतृत्व में कोई बड़ी घटना? अभी हाल ही में जो प्रतापपुर के बधार जंगल में एक मुठभेड़ हुई थी मनोहर गंजू के दस्ते के साथ, जिसमें हमारे CRPF के एक जवान ने शहादत प्राप्त की थी, उस मुठभेड़ में भी ये शामिल रहे थे। एरिया कमांडर श्री कमलेश यादव जी आज आत्मसमर्पण किए हैं। प्रतिबंधित माओवादी संगठन में काफ़ी दिनों तक जो है ये दिग्भ्रमित होकर के सक्रिय रहे, और परंतु सबसे अच्छी बात यही है कि ये मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, अपने परिवार, राज्य, जिला और देश के भविष्य को संवारने के लिए वापस हम लोगों के बीच में आ गए हैं, तो इसका जिला प्रशासन स्वागत करता है। ऐसे सभी हमारे युवक युवतियां और कोई भी जो दिग्भ्रमित होकर के, पथभ्रष्ट होकर के या किसी प्रोपेगेंडा या किसी और चीज़ से मुतासिर होकर के प्रतिबंधित संगठनों में जुड़े हुए हैं या सक्रिय हैं, तो उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो सब जो है मुख्य धारा से जुड़ें। राज्य सरकार, भारत सरकार सभी आपके साथ है और मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के चतरा जिला के जाबाज पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन जी को,
और कमांडेंट सीआरपीएफ को कि इनके द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है और साथ साथ जो है आत्मसमर्पण नीति का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको कारगर बनाया जा रहा है, तो इससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग मुख्यधारा में आ रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।